गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने साड़ी क्यों पहनी है। तो आज सोमवती अमावस्या है, फेरी वाली, महिलाएं तो जानती ही होंगी। तो बस उसी की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे और मम्मी मैं जा रहे थे और दीदी व्रत नहीं है, दीदी सोमवार का व्रत है। तो दीदी हमारी हेल्प करने के लिए जा रही थी कि जल्दी जल्दी फेरी लग जाएगी क्योंकि बेटू उठ जाएगा तो वो रोने लगेगा, फिलहाल वो अभी सो रहा है। तो हम लोग बस जल्दी निकल रहे हैं पूजा करने के लिए। ये पूजा अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखी जाती है, अखंड सौभाग्य भाव के लिए। और यहाँ पे मेरी देवरानी वीडियो बना रही है और उसको बहुत हंसी आती है, तो बस वो कुछ ना कुछ कॉमेडी करती रहती है जिससे हम लोगों को भी हंसी आ जाती है। तो बस वही कुछ बोल रही थी जिससे हम लोगों को हंसी आ रही थी। और बस इन्होंने बताया कि घर के पास में ही है पीपल का वृक्ष जिसकी पूजा की जाती है, तो बस हम लोग वहीं पहुंच गए। और यहाँ पे दीदी हमारी हेल्प कर रही है ब्लॉग बनाने में। और यहाँ पे हम ही दोनों बस थे पूजा करने के लिए। लगता है बाकी जो और लेडीज आई होंगी, क्योंकि पूजा की सामग्री यहाँ पे दिख रही थी कि पूजा की गई है, तो वो लोग जल्दी पूजा करके निकल गए होंगे। और हमें थोड़ा सा, घर में काफी लोग हैं ना, तो घर की व्यवस्थाओं में थोड़ा सा काफी समय निकल जाता है। तो बस यहाँ पे जल्दी से पूजा कर लेते हैं हम। ये मेरी दूसरी फेरी वाली पूजा है, फर्स्ट मेरे ससुराल में पड़ी थी जो मम्मी लोगों के साथ, चाची लोगों के साथ वहाँ गांव में पूजा की थी। यहाँ पे सेकंड सोमवती अमावस्या फेरी वाली पड़ी है, तो बस वही हो रही है। जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो मन को बहुत अच्छा सा महसूस होता है, एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। वो फीलिंग ही अलग होती है जब घर में कोई पूजा पाठ होती है, धूप बत्ती की खुशबू, हवन की खुशबू से एकदम वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो पूजा कर रहे हैं लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बारिश के साथ साथ। बारिश हो रही है लेकिन गर्मी कम नहीं हो रही है, एकदम चिपचिपाहट वाली गर्मी उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, स्वेटिंग होती है। तो बस यहाँ पे जल्दी से पूजा हो जाए, उसके बाद मैं पानी पीऊँ। और अभी इस टाइम पे अम्मा जी यहाँ पे आ गई थी, तो उनके साथ बहुत अच्छे से हमने साथ में मिलके पूजा करी। साथ में कई लोग मिलके जब पूजा करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे तो मैं ज़्यादा किसी को ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ कि कौन ये व्रत पूजा करता है, तो साथ में कर लूँ। तो इस बार अम्मा जी आ गई थी तो हमने साथ में बहुत अच्छे से पूजा कर ली, नहीं तो मुझे अकेले ही पूजा करना पड़ता और अकेले ही आना पड़ता, और छोटे बच्चे के साथ तो मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बहुत अच्छे से हमारी पूजा हो गई और इसमें ज़्यादा लोग भी नहीं थे ना, तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई, हमने आराम से बैठ के अच्छे से अपनी पूजा करी। और यहाँ पे हमारी पूजा जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, हवन हो रहा है। और इसी बीच पंडित जी भी आ गए थे अच्छे समय पे, तो जो नारियल हमने चढ़ाया था उसको भी उन्होंने तोड़ दिया, तो अच्छे से प्रसाद शंकर जी में भी हमने चढ़ा दिया था और यहाँ भी चढ़ा दिया। तो बस जल्दी से पूजा हो गई है, अब हम घर के लिए निकलेंगे। और रवि हमें छोड़ गया था, यहाँ पे पास में ही था, पहले पता नहीं था कि इतनी पास में है ये पीपल और मंदिर पूजा करने के लिए। तो हम लोग गाड़ी से आए थे, फिर हमने उसे फोन करके मना कर दिया था कि इतनी पास में है तो हम लोग पैदल ही आ जाएंगे, परेशान ना हो। और ये जो पीछे आपको अंकल लोग दिखाई दे रहे होंगे, भैया लोग, ये लोग बैठ के ना मोबाइल में गेम खेल रहे थे। मुझे इतना अजीब लग रहा था, इतने सारे लोग बैठ के ना एक साथ ही गेम खेल रहे थे। चलिए हमें उनसे क्या करना, वो अपने काम में लगे थे और हम अपना काम करते हैं। तो हमारी पूजा हो गई है, भगवान सभी के सुहाग बनाए रखे, सभी स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे और सभी के पतियों को लंबी उम्र दे। भगवान से बस यही प्रार्थना है, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सब अपने घर घर परिवारों में हंसते खेलते रहें। मैं अपने लिए भी यही प्रार्थना करती हूँ और आप सबके लिए भी यही प्रार्थना करती हूँ कि सब स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें।
और यहाँ पे थोड़ा तेज हवा चल रही थी, तो उससे हमारी जो माचिस है ना वो बुझ बुझ जा रही थी, तो हम अगरबत्ती और दिया जला ही नहीं पा रहे थे। फाइनली हमने दिया जलाया, जब ये बुझे नहीं, पूजा अच्छे से हो जाए। और मेरे ब्लॉग थोड़ा सा लेट चलते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। छोटे बच्चे के साथ रोज़ ब्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो प्लीज़ जो भी बनाते हैं आप प्यार से देखिए जरूर। पूजा होने के बाद बस अभी घर जा रहे हैं हम, और मम्मी जी धीरे धीरे आ रही हैं और हम आगे आगे चल रहे हैं। उनको थोड़ा समय लगता है चलने में। खोलो ना पूरा पहले।